Who should we call on next? Oh, Parijat ji, जैसे पराठा मक्खन के बिना अधूरा है, साग मक्की की रोटी के बिना अधूरा है, वैसे ही लाफ्टर चैलेंज शहंशाह राजू के बिना अधूरा। और एक बात बताऊं, जिस तरह शराब का मजा जो है काजू के बगैर नहीं आता, उसी तरह लाफ्टर चैलेंज का मजा राजू के बगैर नहीं आता। प्लीज वेलकम राजू श्रीवास्तव। दांत में बहुत बड़ा खोहड़ है क्या? एक साहब की शादी फिक्स हुई तो शादी से पहले हमको याद आया, पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी बोले पंडित जी हमारी नई नई शादी अभी फिक्स हुई है, हमारी हस्तरेखा देख के बता रही हमारी आपस में कितनी चलेगी, हमारी आपस में कितनी निभेगी। पंडित जी बोले बच्चा हस्तरेखा बता रही है कि शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन है, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति पर भारी है, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से कपड़े धुलवाएगी, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से बर्तन धुलवाएगी, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से फड़का मरवाएगी, शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन है। अच्छा महाराज, 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद तुम्हें सब चीजों की आदत हो जाएगी। और जब ये शादी फिक्स हो रही थी तो देखिए लड़की के पापा अपने होने वाले दामाद से पूछते हैं, बातचीत कर रहे हैं, लड़की के पापा की आवाज भारी है, होने वाला दामाद हकला है, अच्छा बेटा चाय नाश्ता तो हो दिया, तो तू तामती बात कर ले, मैं एकदम तिलर तट आदमी हूँ, पहले से पूछ लेना अच्छा है, समझो तल तो भी लफड़ा हुए, उससे पहले तिलर तल लेना अच्छा है। वो बोला सत्ते में सत्ता पूछो, अच्छा बेटा तुम लोग रहने वाले तिधर तो रहने वाले समझ गया हैदराबाद चले चले। अच्छा बेटा तुम्हारे पापा की पोस्टिंग किधर है? पापा की पोस्टिंग किधर है, मतलब जॉब पे पापा किधर? दिल्ली समझ गया। अच्छा बेटा तुम इधर मुंबई में किधर रहते हो? मुंबई में किधर रहते हो? मुंबई में तो यही रहता हूँ मैं, न्यू बॉम्बे। क्या ये तो बहुत जल्दी बोल दिया, ये तो पास में है ना। एक बेवड़ा दारुड़ा दारूबाज सड़क पे पी पा के दांडल कर रहा था, सबको तंग कर रहा था, हवलदार पकड़ के लाए, कोर्ट में पेश किया, कोर्ट में जैसे बेवड़ा आया फर्स्ट टाइम, कोर्ट देखते अरे ऐसे रहते हैं ऐसे पिक्चर में देखा था, अरे इधर मजिस्ट्रेट रड़ रड़ हम किधर खड़ा होने का, इधर कटघरे में ऐसा सेम पिक्चर जैसा जाके खड़ा हो गया हॉलदर। मजिस्ट्रेट ने कहा ऑर्डर ऑर्डर, अरे इधर भी ऑर्डर, 2 पैक विस्की सोडा सोडा के साथ। हॉलिडे पे आया क्या? इधर मिलते हैं कश्मीर देखने। आइए सिद्धू साहब को देख के क्रिकेट मैच याद आ रहा है, एक बार बड़ा ही अनोखा मैच हो रहा है, अच्छा महिलाओं का क्रिकेट मैच, और देखिए कमेंट्री, इस समय मैं देख रहा हूं 1.5 लाख दर्शक इस समय ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, हरी भरी ग्राउंड में बहुत ही हरी भरी फील्डिंग लगाई गई है, और मैं देख रहा हूं कैप्टन बेनजीर इस समय खालिदा जिया से कुछ बातचीत करती हुई, चंद्रकांत कुमारी तुंगा को थोड़ा नजदीक बुला लिया गया है, सुषमा स्वराज मेरे ठीक सामने खड़ी है VIP दीर्घा में, उनके साथ मायावती मौजूद हो गई है जो की बहुत टाइट फील्डिंग लगा रखी है, लेग अंपायर स्वेटर बुनती हुई, और जबकि साइड वाली अंपायर ने पूरा स्वेटर कंप्लीट भी कर लिया है, लोगों में काफी उत्साह और इसमें काफी इसमें दर्शक जमा हो गए हैं, और पटाखे मत फोड़ो, झंडे मत हिलाओ, अभी मैच शुरू होने दो, बाद में सब करना, छक्के ढोलक लेके खड़े हुए हैं, जैसे सिक्सर पड़ेगा ढोलक बजेगी, गुलगुले खिलाए जाएंगे, और सोहर और नकटौरा का इंतजाम है, शारदा सिन्हा भी गाना बजाने के लिए पहुंच चुकी है, रेशमा को पाकिस्तान से बुला लिया गया है, लोगों में काफी उत्साह, इसमें फील्डिंग जमावट आपको बता दें, फर्स्ट स्लिप पर खड़ी है 1 नंबर की चोटी जमीला, कई बार ये मोबाइल चोरी कर चुकी है, मोबाइल चोरी करने के आरोप में कई बार रेस्टोरेंट में मार खा चुकी है, पिछले हफ्ते लोकल ट्रेन में इनके ऊपर 2 लोगों ने तेजाब डालने की कोशिश की, तब से बहुत इतरा की चलती है, और अगली बार विधायक का चुनाव लड़ने वाली है, लोगों में काफी उत्साह, और इस समय काफी जिस समय देख रहा हूँ 1.5 लाख दर्शक इस हरी भरी ग्राउंड में हरी भरी प्लेयर्स को निहारते हुए, इसमें पहला ओवर फेंकने के लिए मल्लिका शेरावत को बुलाया गया है, मल्लिका शेरावत स्टंप उखाड़ने में काफी माहिर, बहुत
अच्छी बॉलिंग करती है मल्लिका शेरावत और इस समय फील्डिंग पर जा रही है। मल्लिका शेरावत लिपस्टिक निकाल के बॉल को चमकाती हुई और उन्होंने बॉल को चमकाने के लिए काम वाली बाई महाराजिन को बॉल दे दी है। महाराजिन बॉल को मांझ रही है क्योंकि बर्तन बहुत अच्छा मांझती है। उसे बॉल को चमकाने उसने बॉल को वापस दिया। इस नर्स को भी बुलाया गया है ताकि किसी भी डिलीवरी का सामना किया जा सके। लोगों में इस समय काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसमें खाली दिया चंद्रका कुमारी तुंगा से बातचीत करती हुई। मैं देख रहा हूँ इसे विपाशा मल्लिका शेरावत से डिस्कस करती हुई और बॉलिंग फेंकने के लिए तैयार हो रही है। मल्लिका ने दौड़ना शुरू किया। मल्लिका की ये गेंद और इस समय गीता ने इसको मरीन ड्राइव किया है लेकिन नरीमन पॉइंट पे खड़ी जानकी बाजी लगा के गेंद को फील्ड कर लिया है और कोई रन नहीं। आज मल्लिका बहुत अच्छी डिलीवरी दे रही है जबकि इनकी अपनी एक भी डिलीवरी नहीं हुई है। लोगों में काफी उत्साह। इसमें फिर मल्लिका ने दौड़ना शुरू किया। मल्लिका की ये गेंद और इसमें गीता ने बहुत ऊपर उठा दिया है अंपायर बहुत ऊपर उठाया है और अंपायर कह रहे थोड़ा नीचे करो इतना मत उठाओ बहुत, लेकिन उठा दिया। और इस समय मर्जीना कैच करना चाहती, घाघरा भी उठा दिया है लेकिन घाघरे में होल होने की वजह से कैच ड्रॉप हो गया है। उनके हाथ में मेहंदी लगी थी और कैच ड्रॉप हो गया। बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन। इस समय लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है मैं देख रहा हूँ। और इस समय बियर बार की डांसर्स अपने सेट को लेकर मैदान में पहुंच चुके हैं और पहचान कौन बोर के बाउंड्री लाइन पर खड़ी हुई है। इस समय देख रहा हूँ फूलन देवी के ठीक सामने किरण बेदी को लगाया गया है जबकि निर्भय सिंह गुर्जर की पहली पत्नी भी फील्डिंग के लिए पहुंच चुकी है। लोगों में काफी उत्साह। एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद और इस समय जमादारी ने बहुत अच्छा स्वीप कर दिया है और स्वीपर ने स्वीप कर दिया है। उसके पीछे भक्तिन भाग रही हैं। भक्तिन घर से भी दो बार भाग चुकी हैं, तीन बार कॉलेज से भगाई गई हैं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। कि चार रन की खुशी में छक्के मैदान में पहुंच चुके हैं। ढोलक बज रही है, नकटौरा हो रहा, सोहर गाए जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ इसमें गुलगुले पकाए जा रहे हैं, बताशे दिए जा रहे हैं। इस समय रेशमा पाकिस्तान से गाने के लिए पहुंच चुकी है और छक्कों को पुलिस भगा रही है। पुलिस का कहना जब छक्का पड़े तब आना। लोगों में काफी उत्साह। इस समय शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इस समय बैटिंग के लिए धोवन को बुलाया गया है ताकि धोनी की तरह बॉल को धो सके। और इस समय देख रहा हूँ बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन मैदान में देख रहा हूँ। कुछ पटका पटकी चल रही है और इसी के साथ छीना झपटी हुई थी लेकिन ड्रिंक्स का समय, दारू वाली आंटी दारू लेके मैदान में पहुंच चुकी है और उस समय लिपस्टिक हेयर पिन पाउडर ब्रा वगैरह मैदान में पहुंचा दी गई है वहां पर। सारी प्लेयर एक जगह पर पहुंच चुकी हैं और खड़ी होकर अपनी अपनी मैचिंग देख रही हैं और इसी बीच तीन चार फील्डर्स जो है बच्चों को दूध पिलाने के लिए मैदान के बाहर जा चुकी हैं। लोगों में काफी उत्साह। काफी डेडिकेटेड प्लेयर यहां पर मैदान में नजर आ रही हैं। इस समय आप देख रहे हैं बाउंड्री लाइन पर खड़ी मर्जीना लव लेटर्स का आदान प्रदान कर रही है दर्शक दीघा से। उनको मिलने का टाइम फिक्स होने के बाद मैच यहां पर अपनी फील्डिंग के लिए मौजूद हो चुकी है। इस समय सिर्फ पांच प्लेयर मैदान में फील्डिंग कर रही है, छह चली गई है, दो यहाँ के लड़कों के साथ भाग गई है, दो ब्यूटी पार्लर गई है वहां फेशियल वगैरह करवा रही है, आईब्रो बनवा रही है और दो पीछे सेल लगी है साड़ी खरीदने के लिए पहुंच चुकी हैं। इस समय शीला दीक्षित सुषमा स्वराज से कुछ बातचीत करती हुई उनकी साड़ी के बारे में पूछती हुई। काफी समय रोमांचक मैच स्थिति में पहुंच चुका है। मैं देख रहा हूं कुछ झगड़ा चल रहा है, मारपीट हो रही है, झुट्टी झुट्टा हो रहा है। इस समय जमीला जो कि बहुत ही मतलब पूरे चुगली करने माहिर है, गुगली करने भी माहिर है और इस समय विकेट कीपर गिल्ली और खिल्ली उड़ाने माहिर है, दोनों छीना झपटी हो रही तो मगर मोटी मोटी तेरे मुंह घुसड़ दूं जंदा कमर तुम्हारी प्लेट देख के मार दे चप्पल तेरे बारे में बता दूंगी। तो चार चार मरद करके बैठी है सत्यनाथ जाए, चार मरद करके बैठी है और तू जमीला को छोड़ के वहां चली गई। तेरा मरद जाता है दुबई, तू तुकाराम के साथ घूमती है, तेरी पूरी बोल खोल दूंगी। सत्यनाथ जाए कमीनी, सत्यनाथ जाए मोटी और मेरी कट्टो, सत्यनाथ चप्पल देख के मार दूंगा, सत्यनाथ जाए कमर तुम्हारी नकटी नकटी, सत्यनाथ जाए कंडा घुसेड़ दूंगी तेरे मुंह पे, गाय का गोबर घुसेड़ दूंगी तेरे मुंह, सत्यनाथ जाए कमर तुम्हारी, आज तेरा मरद जाता बाहर कमर तुम्हारी, तू जले सत्यानाथ मोदी मोदी सत्यानाथ बाल नोच तेरी चुटिया पकड़ सत्यानाथ तेरे कपड़े फालतू की कमी नहीं है, सत्यानाथ मोदी कमारी। दोस्तों हालात बिगड़ रहे हैं जिससे पहले मेरे ऊपर कोई इल्जाम है, मैं भी यहां से निकल लेता हूं, अगले मैच में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।